देर बाद कोशिश करें। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो, होल्ड पर ले लिया मैंने, आप बात कीजिए। अरे जनाब आपका बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का लाख लाख करम। जी बताइए। वो वसीले पे सुना कुछ बात बात करते हैं आप, वसीला हराम कहते हैं, नाजायज कहते हैं, कौन कहते हैं आप? मेरे से बात हुई क्या इनकी, जिन्होंने आपको नंबर दिया है ये, या जो बीच में है अभी? जी मेरी कब बात हुई है मुझे पता नहीं है, मैं इन्हीं से पूछवा देता हूँ। रिजवान भाई बता दें। जी हेलो भाई, ये जानते हैं आप मेरे को? जी जानता हूँ ना। कब बात हुई अपनी, मुलाकात हुई है कभी? अपनी मुलाकात अपनी एक ग्रुप में थे अपन साथ में। कहाँ पे? ग्रुप का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने नंबर चेंज किया। व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे आप? व्हाट्सएप ग्रुप में था मैं, जन्नती फिर का जो ग्रुप है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। असल में मामला ये है, कि वसीले के ऊपर बड़ी कश्मकश है लोगों में। लें कि ना लें, शिर्क है, कुफर है, बेदत है, क्या है? तो डाउट क्लियर करने थे तो आप बता दें क्या है। भाई वसीला उतना ले लें जितना अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो यही है जितना मैंने पढ़ा है। कितना कितना ले सकते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जी, जो मरीजों में आ रहा है तीन तरह का जो वसीला बताया जी, जी। कि इंसान इंसान के मरने के बाद जी उसका जो है ताल्लुक दुनिया दुनिया से खत्म हो जाता है। अच्छा, है ना जी। सिवाय तीन चीजों का बाकी रहता है। अच्छा, तो वो चीजें तीन चीजें वो इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, है ना। तो उसमें ये है कि एक तो अपने अल्लाह के नामों का वसीला ले लें हदीस के मुताबिक। अच्छा, अपने नेक कामों का वसीला ले लें। जी जी, है ना। और किसी से अपने हक में दुआ करवा लें। अच्छा, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं जो हदीस के अंदर आई, सही तिर्मिजी की रिवायत है ये। अच्छा, तो इतना वसीला अपन ले सकते हैं। और गार का जो वाकया आपको पता है? अच्छा, वो गार वाला वाकया जिसमें तीन लोग गार में फंस गए थे, का जो वाकया बताया अल्लाह के रसूल। जी जी, तो उसमें उन लोगों ने अपने अपने तरीके से वसीला लगाया, है ना, और अपने कामों का लगाया, है ना। तो वो चीज वसीले के ताल्लुक से जितना सा है उतना अपन कर लेते हैं। अब ये है कि अननेसेसरी अपन लगा रहे हैं किसी का, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हम अपने अमलों का भी लगा लें और अल्लाह तबरक तआला के नामों का भी लगा लें, ठीक है ना। और अपने हक में जहाँ दुआ करवाने की बात आती है जी, तो हम मुर्दों का वसीला लगाते हैं। अपने हक में जब दुआ करवाने की बात आती है तो मुर्दों का वसीला लगाते हैं, यही कहा ना आपने? वसीला लगाते हैं, हाँ, ये वाली बात आती है। तो उसमें भी ये वसीला का टॉपिक खत्म हो गए और इस पे आ जाएगी बात कि वो जिंदा है या मर गए, इस पे आ जाती बात, है ना। जी जी जी, तो वो चीज क्या है, एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद वो टॉपिक छिड़ते चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, इससे बढ़िया तो ये है कि जो है ये तीन जनों का, जैसे अपन व्हाट्सएप अभी बात कर रहे हैं फोन पे, तीन लोग हम ग्रुप बना ले, आप, मैं और रिजवान भाई, ठीक है जी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसमें पोस्ट डालें, मैं अपने हिसाब से पोस्ट डालता हूँ या वॉइस डालते हैं, ठीक है ना। जी जी, फिर गुफ्तगू हो जाएगी सिंदर वसीले के ताल्लुक पे। असल में अब ऐसा होता है जनाब, क्या नाम है आपका? समीर। समीर, समीर साहब, ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे जब ग्रुप बनता है तो उसमें जब बात होती है तो ठीक से बात हो नहीं पाती, और अगर फोन पे बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मीनिंगफुल, मतलब फ्रूटफुल होती है। मीनिंगफुल होनी चाहिए, हाँ हाँ, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब जैसे एक अभी आपने कहा कि जो कब्र में है तो वो सुनते हैं वो कब्र में कि नहीं, जो है कब्र में जो मोमिन है वो कब्र में सुनते हैं कि नहीं? मोमिन तो जब मर जाता है, या एक मुसलमान जब मर जाता है, और एक मुसलमान ही नहीं जी बल्कि एक कोई मुसलमान हो या वो काफिर हो गया हो जी, ठीक है। अगर मुसलमान हो या काफिर हो गया हो तो उसे काफिर ही कहिए, फिर मुसलमान ना कहिए फिर। हाँ हाँ, ये यही कह रहा हूँ मैं आपसे, यही बोल रहा हूँ, पूरी मजाक कर रहा हूँ ना, एक मिनट बैठ जी, बैठो, दो मिनट बैठो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हाल में उसका बोलना साबित, ठीक है जी, उसका अरमान करना साबित हदीस से, ठीक ना, उसका चीखना पुकारना साबित जी, ठीक है ना, उसका उसकी खिड़की खुलना, उसका एहसास होना, वो साबित,
ठीक है जी। अब ये कहे कि मुर्दा जब मर जाता है तो उसको किसी चीज का एहसास नहीं होता या वो बोल नहीं पाता है, ये चीज है। लेकिन ये सब क्या होती है, ये हम लोगों से बालातर होती है हमारे सुनने देखने से। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अच्छा। जैसे एक मुर्दा कहता है जब वो मर जाता है तो कहता है, नेक होता है तो कहता है मुझे ले चलो ले चलो ले चलो, ठीक है जल्दी ले चलो। तो हमारे यहाँ ये चीज सुनी नहीं जाती दुनिया के अंदर। हाँ, हम लोग उसे नहीं सुन सकते, हमारे कान इस लायक हम लोग हाँ नहीं होते हैं, ठीक है ना, हमसे बालातर होती है। और इसी तरीके से कि एक जगह वो जो मुर्दों की उसको आहट सुनता है, ठीक है ना जी जी। तो इंसान और जिन के अलावा सारी मखलूक उसको सुनती है जी जी, ठीक है ना, ये भी एक बात रहती। तो कहने का मतलब ये है कि मुर्दे का सुनना या उसका बोलना, ठीक है ना, ये तो बहुत सारी चीजें साबित हो जाएगा। जैसे कि बदर के कुओं में जब वो मुशरिक पड़े थे, काफिर पड़े थे जी जी, ठीक है ना, तो अल्लाह के रसूल ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अभी ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं जी। तो पता ही चला कि अल्लाह का वली भी सुनता है, ये मुर्दे काफिर नहीं भी सुन रहे जी, है ना, काफिर भी सुन रहा है जी जी, और मोमिन भी सुन रहा है, ठीक है ना। नहीं, अगर काफिर ये मानना है, एक चीज टोकना चाहेंगे, अगर काफिर सुन सकता है तो फिर अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, तो फिर उनकी तो सिफत कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि वो ईमान वाले। इसको उल्टा लेने आप, इसको उल्टा लेने अपन भाईजन जी, कि जैसे ईमान वाले सुनते हैं या काफिर भी सुन रहे हैं जी, फिर नहीं, जैसे ईमान वाले सुन रहे हैं तो वैसे तो काफिर नहीं सुन रहे हैं ना, ईमान वाले जो हाँ सुन तो रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद उनका कोई अमल उनके काम नहीं है, क्योंकि वो काफिर हैं। और अगर मोमिन सुन रहा है तो उनके अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं, ठीक है। अब जैसे एक हदीस है जिसमें हुजूर अकदस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के हिजरे में दफन हुए, तो ये मेरे ख्याल से उनसे मरवी है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, कि आपने फरमाया कि वो आप मेरे हिजरे में दफन हुए तो मैं बगैर चादर ओढ़े बेहिजाबाना हाजिर होती थी और कहती थी इन्नमा हुआ ज़ौजी, यानी कि मेरे शौहर ही तो हैं। फिर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर वहां दफन हो गए, तब भी आप बगैर एहतियात के वहां चली जाती थी और कहती थी इन्नमा हुआ ज़ौजी वाबी, मेरे शौहर और मेरे बाप ही तो हैं। फिर जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला वहां दफन हुए तो आप जो थी बहुत एहतियात करती थी और चादर लपेट के जाती थी, इस तरह के कोई उजू खुला ना रहे आपका, और आप कहती थी हया अन मिन अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर से शर्म करती थी। ये मिसकाह शरीफ देख सफा 154 बाब ज़ियारतुल क़ब्र में है, कुबूर में है ये। बहरहाल तो ये तो अल्लाह ने हमारे जो नबी हैं और वली हैं और सहाबा हैं, ये उनको पावर अता फरमाई। अब एक हदीस के ताल्लुक से सीधे बात कर लेते हैं, ज्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहले मैं आपको पूरी हदीस बता दूंगा, उसके बाद फिर आप उस पे ठीक है सर बोलो। एक शख्स कई बार हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अनु के पास अपनी हाजत रवाई के लिए आता था, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु ने उस पर तवज्जो नहीं दिया। तब वो हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अनु के पास गया और मामले की शिकायत की, तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया जाओ अच्छी तरह वजू करो और फिर मस्जिद में आकर दो रकत नमाज अदा कर लो और फिर इस तरह कहो, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ रुकू करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी हाजत के लिए आपके वसीले से अल्लाह की तरफ रुख किया, ऐ अल्लाह ये वसीला कबूल फरमा। आगे है हदीस में कि और फिर अपनी हाजत पेश करो और फिर मैं तुम्हारे साथ हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अनु के पास चलता हूँ। तो उस शख्स ने वैसा ही किया जैसा कि उसके करने के लिए कहा गया था। फिर इसके बाद वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु की बारगाह में हाजिर हुआ, दरवाजे वाले ने इस शख्स का हाथ पकड़ा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु के पास ले जाकर बैठा दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उस शख्स ने अपनी हाजत पेश किया। हेलो हेलो हेलो, आवाज कट कर आ रही है आपकी। अब भाई आपकी ले रहे हैं जी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उस शख्स ने अपनी हाजत पेश किया, तो कुछ उसे जरूरत थी तब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु ने उसे अता फरमा दिया। अब इस हदीस के बारे में मैं आपको डिटेल्स भी बता दूं, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। इमाम तबरानी ने माजमत सगीर में जिल्द नंबर 1 दफा नंबर 300 से 307 हदीस नंबर 508 में इसको दर्ज करा। इमाम तबरानी ने माजम अल कबीर जिल्द नंबर 9 सफा 17-19 और हदीस नंबर 8311 पे नकल करा।
इमाम हैतमी ने मजमाए अज़वाइस जिल्द 2 बाब सलात अल हजा हदीस नंबर 3668 पे नकल करा। इमाम अल मुंदरी ने अल तरगीब व तरहीब सफा नंबर 242 बाब सलात अल हजा में इसको नकल करा। इमाम बहीकी ने दलाइल अल नबुवा जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 167 और 168 पे नकल किया। इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिया सकाम जिल्द 1 सफा नंबर 370-372 में नकल किया और बाप का नाम था बाद अज विसाल उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप का नाम ही देखिए, बाप अज विसाल उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इब्ने तैमिया ने इस हदीस को सही लिखा, कायदा अल जलीला फिक तवस्सुल वल वसीला सफा नंबर 156 में, और इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अल सलीही अल हादी ने सबल अल हिदा जिल नंबर 12 बाब नंबर 5 में वसीला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब बांध के और सफा नंबर 407 पे नकल किया। ठीक है, अब आप इतने यहाँ पे मुहद्दिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुहद्दिस हैं, और यहाँ पर तो इब्ने तैमिया भी हैं जो गैर मुकल्लिदों के पेशवा हैं बहुत बड़े, तो इस हदीस को उन्होंने भी सही लिखा, यानी कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी वसीला लिया गया। अब आप इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, तो ये कहना है कि हमें इस हदीस की सेहत देखनी है। ठीक है ना, अब मैं कहता रहा हूँ सही लिखा, इब्ने तैमिया ने इस हदीस को सही लिखा, कायदा अल जलीला तवस्सुल वल वसीला सफा नंबर 156 पे। जी भाई, हमें ये करना है कि हदीस की सेहत और सनद चेक करनी है, और कुछ मतलब आप इब्ने तैमिया ने जो इसकी चेक किया है, इसको इब्ने तैमिया ने जो ये सब करी है ना, मुझे सब बताएंगे, ये चीज जो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं इस चीज को, तो ये भी तो चेक करेंगे कि भैया इमाम इब्ने तैमिया बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं भाई, ये तो आप हमें बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप भी चेक करेंगे इस चीज को। जी जी जी, वैसे तो अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है जिंदे और मुर्दे बराबर है ना। जी जी, उसकी तफसीर बता दीजिए वाला बराबर, तफसीर बता दीजिए शायद तफसीर, तो आप इब्ने कसीर में इंशाल्लाह देख लेंगे इसको। नहीं, तफसीर इब्ने कसीर से बेहतर होगा, अगर हम तफसीर जलालैन शरीफ तफसीर रूहुल मानी में देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो हुज्जत मानी जाती है रूहुल मानी। हाँ, देखिए हुज्जत जो है ना जी, ये आप न कहें कि हुज्जत क्या मानी जाती है, तफसीर इब्ने कसीर जो है जी सईद तफसीर कहते हैं आप इसको। नहीं चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तो सबसे पुरानी तफसीर है ना, तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सबसे पुरानी तफसीर है, तो हम उस पर बात करेंगे ना, जो बीच में तजाद ना हो। नहीं नहीं, कौन सी है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर कौन सी है? आपने तफसीर करी है, उसका नाम ही तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। अब ये जो आपने बोला ना जी, तफसीर इब्ने अब्बास जी है ना जी, तफसीर इब्ने अब्बास नाम से कभी कोई तफसीर हुई ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, लेकिन तफसीर तो करी है उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हमें उस पर बात नहीं करनी है उस नाम से हुई कि नहीं, तफसीर तो मौजूद है। जी 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 जी, बात तो सुनिए आपने जी, है ना, ये जो तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास, न इसका कोई वजूद है न इसका कोई रिवायत है, ठीक है ना, न इसकी सनद मौजूद है। अच्छा, ये आप और अच्छे से चेक कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी कोई रिवायत भी मौजूद नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं है ना। दूसरा ये है जी, तफसीर इब्ने कसीर जो है, अगर इसके अंदर आप इस आयत को देखेंगे जो मैंने बताई आपको, तो जिंदे और मुर्दे के मामले में जो बात आ रही है ना हमारे यहाँ सामने, और जो आपने हदीस बयान की है, मैंने आपकी तसल्ली से आपकी पूरी बात सुनी है, आपने हवाले दिए माशाल्लाह बारकल्ला, बहुत अच्छी बात है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो हदीस आपने दी है इसका इसका मतन मिल जाए, इसकी सनद मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप इसको इसको सही साबित कर देते हैं या सही साबित हो जाती है बतौर सनद, तो हमें भी मांगने में क्या परेशानी है, आप बताएं। एक काम करते हैं, वसीला काम करते हैं जी, मैंने इसीलिए कहा आपसे आप और मैं एक, हाँ मैं एक बता रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, अगर मैं आपको मैं ये कहता कि ये हमारे किसी उलमा इकराम ने, हमारे मसलक के किसी उलमा इकराम ने जो अभी कुछ ही सदी पहले के हों, उन्होंने ऐसा करा है, तो शायद वो सही ना रहता, इसलिए हमने आपको आप ही के घर से इब्ने तैमिया का हवाला दिया, सुन तो लीजिए, हमने आपको इब्ने तैमिया का हवाला दिया है, आप ये पढ़वाएं जाके और पढ़ने के बाद इसकी तशरीह उसमें कर लें कि उन्होंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरी बात तो सुनिए आप, जी बहुत अच्छी अहसन तरीके से अपने बीच बात हो रही है, ठीक है जी जी। मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि जो चीज आपने बोली है ना जी, बहू ये चीज वहाँ आए, और हमें सिर्फ ये चेक करना होता है, समय चेक करनी थी, मतन चेक करना होता, ठीक है ना, ये होता ना कि भाई ये हदीस कैसी है, किस ग्रेड में आ रही है, ठीक है ना जी जी जी।
ये हमें चेक करनी है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी मुताबिक जगह हदीसें मौजूद हैं जिसमें बाद वफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वसीले लगाया गया, ठीक है जी हाँ। और तमाम तर इस तरह की हदीसें हैं वो या तो मौजूद है या ज़ईफ़ है, ठीक है। अच्छा। इस में हाँ, वो आप लोग का बढ़िया है कि मौजूद ज़ईफ़, इसीलिए हमने सही हदीस और सही किस्से कहलवाया है, ये भी आपको बता दिया। आवाज कट कट के आ रही भजन जी। अब भाई हेलो 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 हाँ अब आ रही है आवाज कट कट के आ रही भजन। अब भाई भाई हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आवाज आपकी तो क्लियर आ रही है। हेलो हेलो, आवाज मेरी तो आ रही होगी पर आपकी मुझे नहीं आ रही। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है अभी। आप एक जगह रहेंगे तो वो चाहिए भाई। मैं एक ही जगह पे, नेटवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल आ रहा है। हां भाई, हां भाई, हां भाई, हां भाई, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अच्छा। या मोबाइल दूर कर लिया होगा आपने, ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज को देख लेते हैं, और मैं यही कह रहा था आपसे कि ये तीन लोगों का जो है इसमें हम किसी को ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं करता बात भाई, माफी चाहूंगा, माजरा चाहूंगा। मैं व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे मैं नहीं बहस करता। चलिए चलिए, कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को ना परेशान भी नहीं करना चाहिए इस मामले में, ठीक है ना। मेरा तो मानना ये है कि जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तिर्मिज़ी के मुताबिक हमें बताया है, ठीक है ना, अगर इस तरीक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वसीला लगा सकते हैं इस वजह से कि वो सुनते हैं और अपनी बात पहुंचाते हैं, ठीक है ना जी, जी। यही अकीदा है और इसी अकीदे पर आप बोल रहे हैं कि वसीला ऐसे लगता है, ठीक है। मेरा कहना ये है आपसे कि अगर हदीसों में देखा जाए तो वहाँ काफिर भी सुनते हैं, तो क्या कोई काफिर के जरिए से अपनी बात पहुंचा सकता है? नहीं, हम नहीं पहुंचा सकता है। तो कोई भी चीज किसी भी तरीके से जब दारा पानी से कोई कुछ कर जाता है या पर्दापोशी फरमा लेता है या उसकी रूह परवाज कर जाती है या आलम अरवा में चली जाती है, तो किस शरह से, किस कनेक्शन से, किस जरिए से या किस मैसेज के जरिए या किस फरिश्ते के जरिए से ये आपका वसीला वहां तक पहुंचता है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बोलते जाए, सुन रहे हैं, है ना। किस तरीके से वहां पहुंचता है? इस तरीके से तो ये हुआ कि फिर हमें जो है, जो आजकल ये जो चल रहा है सब कुछ, हम देखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी माशाल्लाह, ठीक है ना, और बीच में नेटवर्क कनेक्शन कटने से आखिर मेरी बात होना बंद हो गई, ठीक है ना, और कहीं आवाज आई कहीं नहीं आई। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप वसीला लगाएं और वहां तक बात पहुंच जाए उनके पास, और यहाँ से पहुंच जाए, वहां से पहुंच जाए, जब एक आदमी दीवार की आड़ में से एक दूसरे को सुना नहीं सकता, देख नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि आप वसीले की इस तरीके से तस्वीर करके हम बता सकते हैं। और जो कुछ इस जीवन में बयान किया गया है वो सबका सब गईब है, सही नहीं है। और आपने इसकी जो मैंने आपको हदीस बयान अभी फरमाई है जी जी, आपने इसको कहा कि ज़ईफ़ है। आपने पहले भी कहा ज़ईफ़ है, आपने कहा ज़ईफ़ है। जीवन में जितनी भी हदीस आई है, अच्छा वो सब ज़ईफ़ है। अच्छा, सब ज़ईफ़ है। हाँ, इस जीवन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीले के ताल्लुक से जो आई है, अच्छा ही है। अच्छा, इल्ला ही है, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, इल्ला ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे हो। जैसा कि जुम्मे का वक्त था, एक देहाती खड़ा हुआ, उसने कहा, सैयद की रिवायत है, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, जानवर मर रहे हैं, है ना, बच्चे मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, आप जो है दुआ कीजिए। तो इनकी रिवायत में देखा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से खड़े होकर जुमा खुतबा देते देते दुआ फरमाई और चारों तरफ से गनगोर घटा आई और बारिश हुई माशाल्लाह, ठीक है। और बारिश इतनी हुई कि दूसरा हफ्ता आ गया, यानी कि दूसरा जुमा आ गया, तो एक और हदीस में आया, या तो एक और या वही साहबी खड़े हुए देहाती और कहा कि अल्लाह के रसूल, अब बहुत ज्यादा पानी हो गया है, जानवर अब इस तरीके से मर रहे हैं पानी की वजह से, और घरों में पानी दाखिल हो गया है, लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि पानी उग जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और ये दुआ फरमाई कि मदीना के किनारों पर बारिश हो जाए, मेन मदीना में बारिश न हो, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो ये आपके बाहयात रहते हुए इस तरीके से ये दुआ फरमाई। इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अर्ज़ बयान करते हैं सही बुखारी की, कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब तक हमारे बीच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे, अल्लाह तबारक व ताला, हमने उनके वसीले से तुझसे बारिश की दुआ मांगी। अब हम तुझसे उनके चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला का वसीला लगाते हो तो बारिश बरसा, तो अल्लाह तबारक व ताला बारिश बरसाता था, ठीक है ना। ये सही बुखारी की रिवायत है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला बिल्कुल सही रिवायत है, सही बुखारी की। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं ले रहे हैं, बल्कि
वो जान रही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से पूछ कर गए और हत्ता की, हाँ ये आप देख सकते हैं, हत्ता की सही बुखारी की कम से कम एक से डेढ़ सफात पर मौजूद वो हदीस जिसमें जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम कह रहे थे इमाम आते रसूल अल्लाह के रसूल अल्लाह नहीं मर सकते, तो अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान में से सूरह ज़ुमर आयत नंबर 30 पढ़ी, इन्नका मय्यतु व इन्नहुम मय्यतून, ठीक है ना। इसी तरीके से सूरह आले इमरान की 144 पढ़ी आपने, तुम्मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, इस तरीके से है ना। एक पढ़ी आपने सूरह इब्राहिम की, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिका खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, इस तरीके से बहुत सारी कुरान की आयत जब आपने पढ़ी तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने निडाल होकर घुटने के बल बैठ गए और आपने तलवार रख दी। वरना आप ये कह रहे थे कि जिसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, लेकिन जैसे ही आयतें पढ़ी तो आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुरान की आयतें अभी भी नाजिल हुई है। उसके बाद 32 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुबारक रखा रहा, कई इख्तलाफ हुए, खलीफा कौन बनेगा, ठीक है, कहाँ दफन किया जाएगा, विरासत का मामला, इस तरीके से बहुत सारे मसले पेश आए। तो एक के बाद एक सहाबा किराम ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जहाँ अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होते हैं उन्हें वहीं दफना दिया जाता है, इसीलिए उनको हुजरा आयशा में दफना दिया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरीके से। और खिलाफत के मामले में सबने एक ही आवाज में ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हम सब में अफजल हैं और दूसरा अल्लाह के रसूल के साथी भी हैं और आपने इशारा भी किया, इस वजह से उनको खिलाफत दी। यानी कहने का मतलब 32 घंटे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से एक हरकत नहीं हुई और आपने उठकर ये नहीं कहा कि उमर तुम तलवार किससे चलाते हो, आपने उठकर ये नहीं कहा कि अबू बकर तुम जो है तुम खलीफा बन जाओ, या ये नहीं कहा आपने उठकर कि अरे लोगो तुम मुझे वहीं दफनाओ जहां अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होते। अब आप ये बताएं कि 32 घंटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रखा रहा लेकिन आपने उठ करके कोई बात नहीं बताई, ना आपकी जिसमें हरकत हुई, और आप ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हम लोग उनका वसीला ले सकते हैं, वो सुनते और अपनी बात को वहां तक पहुंचाते। और यही अकीदा सिर्फ हमारा अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहता तो बहुत कुछ हम लोग आप लोग कोऑपरेट करते, लेकिन यहाँ तो हर किसी के लिए ये अकीदा रखा गया है कि भाई ये भी जिंदा है ये भी पहुंचाते हैं, ये फना भी जिंदा है फला भी पहुंचाते हैं, ये मोमिन है ये भी पहुंचाते हैं ये भी पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए लाइक फोन या लाइक इंटरनेट ये काम हो गया कि हम अपनी बातों को वहां तक पहुंचाते हैं। दूसरा ये वाकई ऐसा नगर ये बात सच है कि हम आपकी फेवर करते हुए आपकी बात मानते हुए वकीला लगा करके हमारी बात आपके जरिए से या जो फौजशुदा उनके जरिए से बात पहुंचाते हैं तो कितने लोगों की बात ऊपर जाती है इसका क्या पता चलता होगा, या उसके लिए कोई रिसीव्ड मैसेज थोड़ी आता होगा क्योंकि हाँ ये मैसेज आया अभी आपकी बात पहुंच गई है, कितने लोग जो है इस तरीके से वसीला लगा करके बात को वहां पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कुछ की बिगड़ी बन जाती है, कुछ की बात पूरी हो जाती है, लोग उसको अपना वो धंधा बना लेते हैं, वो चीज चल पड़ती है। नाऊज़ु बिल्लाह ये चीज जो है ये अकीदा जो है ये हमारा तो हो ही नहीं सकता, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है ही नहीं कि वो फौजशुदगान से जो है इस तरीके से अपना वसीला लगवाए। जहां तक कि अल्लाह के रसूल की सही तिर्मिज़ी की रिवायत है उसमें अल्लाह के रसूल ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो है आप फौजशुदा से जो है वसीला लगाए। मना कहाँ फरमाया नहीं लगाना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए पहले हजरत अब्बास अली वो जो हदीस थी उस पर बात कर लेते हैं। जी, पहले तो ये बताइए कि हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ना तो खुल्फाए राशिदीन में हैं और ना तो अशराए मुबशरा में शामिल हैं और ना ही मुहाजिरीन में से हैं, जबकि मकाम मर्तबे के लिहाज से भी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब से अफजल। इस पे मुख्तलिफीन का भी इख्तिलाफ नहीं है, अशराए मुबशरा में है मुहाजिरीन। पहले बात तो सुन लीजिए, वो जिंदा पहले बात तो सुन लीजिए। अरे आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। अशराए मुबशरा में है, मुहाजिरीन है, खुल्फाए राशिदीन भी है, फिर आपकी वजह क्या थी, आखिर वजह क्या थी इसकी कि आप से ही वसीला लिया गया? आप इसलिए वसीला लिया गया है कि आप जिंदा थे। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु खुल्फाए राशिदीन में भी नहीं थे, ना अशराए मुबशरा में से शामिल थे और ना मुहाजिरीन में से थे, तो जबकि मकाम और मर्तबे के लिहाज से फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब से अफजल हैं। इस पे मसला क्या था, वजह क्या थी कि आखिर आप कहीं वसीला लिया गया? इस हदीस में वजह तो नहीं की गई है,
और नहीं वजह बयान की गई है कि उनका क्यों लिया गया, बल्कि ये कहा गया है कि हमारे बीच आपके चाचा मौजूद हैं, हमने उनसे वसीला लगाया, यही बात है ना। अब इसमें या तो आप गुमान करने लग जाए, नहीं हम गुमान नहीं कर रहे हैं, वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, वैसे तो सवाल जब आपने दलील दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि हदीस जिस तरीके से आ जाए उसके लिए साहबा का ये अमल था, आमन्ना सद्दगना समयना वह आता ना, हमने सुना और इताअत की, ठीक है। और जो लोग नहीं मानते उनका ये होता था कुरान करीम की आयत है समयना वह आता ना, हमने सुना और नाफरमानी, हमने जितनी हदीस सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को बतौर वसीला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने लगाया, ठीक है। अब ये आप जिंदा थे, आपने दुआ की, बारिश हुई, और ऐसा इसी बार नहीं हुआ, ताबई से भी मशहूर बहुत सारे वाकयात अपनी जिंदगानी के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं अब इसकी दलील है, आप अपनी दिमागी मंतिक लगा रहे हैं, मसला ये है कि इसका जवाब शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला ने फतहुल बारी में शराह बुखारी में दिया है कि वजह क्या थी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ किया, या अल्लाह बेशक मुसीबतें नाजिल होती हैं और हमारे गुनाहों की वजह से और हमारे अस्तग़फार की वजह से उठा ली जाती हैं। ये लोग मेरे पास दुआ की दरख्वास्त लेकर आए हैं क्योंकि मेरी कुर्बत तेरे रसूल से है और हमारे हाथ दुआ के लिए उठे हैं, हमारे गुनाहों को ना देख और हमारे लिए बारिश अता कर दे और अपने रसूल के चचा की इज्जत रख ले। समझे इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि निस्बतन जो आप अपना बता रहे थे कि बुजुर्ग थे, आपने कहा था ना बुजुर्ग थे इस वजह से वो दुआ की, लेकिन नहीं बुजुर्गाने की बुजुर्ग तो नहीं किए गए, तो मैं ये क्योंकि मैं वो हमारे प्यारे करीम आका के चचा थे। और दूसरी चीज ये है कि इस हदीस से ये कहां साबित हो रहा है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद वसीला लेना मना फरमा दिया गया, इसकी नफी इसकी कहां से मनाई हो रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, इस तरीके से कहा कि मेरी निस्बत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, ठीक है, बेशक मैं उनका चाचा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आपका दर्जा क्या है और अहले बैत और अहले अथार का दर्जा क्या है? आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस मालूम है? आपको आपको इसका पता है कि आपका दर्जा क्या है अहले बैत अहले अथार और सहाबा इकराम को आप अपने से कंपेयर कर रहे हैं? सहाबा इकराम की पाक मुकद्दस जमात को आप अपने से कंपेयर कर रहे हैं? आवाज कट रही है भाई जान, आवाज कट रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। अब आई आवाज? नहीं अभी भी आवाज हमिंग कर रही है। अच्छा अब मैं तो फुल नेटवर्क में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नेटवर्क फुल आ रहे हैं, मुझे भी फुल आ रही है आवाज, तो नहीं कट रही मेरी आवाज तो आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं तो नहीं आ रही, दोनों बिल्कुल क्लियर आ रही है और राहिल भाई के भी माशाल्लाह नेटवर्क तो बीएसएनएल के उनके भी बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज बहुत शोर शराब और हमिंग वाली आ रही है जिसमें बिल्कुल जो है आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई। अल्लाह आलम सुम्मा रसूलो आलम, यहाँ से सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर आ रही है, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में और बता दूं कि हदीस के अल्फाज हैं अपने नबी पाक चचा के वसीले से, यहाँ रिश्ता जाहिर करने की क्या जरूरत थी? अगर हजरत अब्बास का ही वसीला लेना था तो उन्हीं का नाम सिर्फ ले लेना था, कह देते अल्लाह अब्बास बिन अबू मुत्तलिब का वसीला, मगर आपने नबी के चाचा कहकर रब से वसीला क्यों लिया? क्योंकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत कुर्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। मालूम हुआ कि दरअसल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास की निस्बत तकद्दुस का ही वसीला लिया गया। फिर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर में सहाबा से फरमाते हैं कि हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब का वसीला पकड़ो, वो क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत तकद्दुस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने वालिद की तरह मोहब्बत ताज़ीम और तौक़ीर करना। खैर ये एक बात हो गई, तो इसके बाद कभी मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, चलिए एक तो ये हो गया मसला, खैर अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं एक दूसरी बात बताता हूँ आपको। जी एक मिनट रुकिएगा, तेरा थावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा थावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा
या रसूल अल्लाह। हदीस ये है कि अबू अल जवाजा औस बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अनु से इमाम दारमी रिवायत करते हैं कि मदीना के लोग एक बार सूखा पड़ने की वजह से परेशान हो गए। वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और उनके रोजे और आसमान के दरमियान ऊपर एक खिड़की खोल दो। एक सुराग करो, एक खिड़की खोल दो, फिर दुआ करो उधर से। देखिए ये जो रिवायतें हैं ना सब ज़ईफ रिवायतें हैं, आप लोग बगैर तहकीक। अच्छा किसने, अच्छा इस ये बताइए कि इस रिवायतों को किस किसने ज़ईफ लिखा है? हजरत आप तो किताब खोल के बैठे, मैं तो किताब खोल ले और आपकी बात। हजरत आप किताब खोल ले, बैठा हूँ अभी मैं, कहाँ बैठा हूँ जी ये आपको थोड़ी पता है। अब मैं तो नहीं जानता हूँ आप कहाँ बैठे हैं भाई। असल सिलसिलातुल ज़ईफा के अंदर शरीफ को नकल के कोड किया है। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि किस किस मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ किया। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मैं मुहद्दिस के नाम उसमें पढ़कर बता दूंगा आपको किताब खोल कर, तो बात ही फिर आपके समझ में आ जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर के हिसाब से जो हदीसें होती हैं वो आप लोगों को ज़ईफ़ी क्यों दिखाई देती हैं? अच्छा एक बार बताइए आप। जी पूछिए। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं हम जाहिल हैं भाई। कहता कौन है? नहीं ज़ईफ कहता कौन है इनको? ज़ईफ इनको मुहद्दिस कहते हैं। और ज़ईफ को ये किसने कहा है? ज़ईफ को ये किस मुहद्दिस ने लिखा है कि ज़ईफ हदीस बिल्कुल ली ही नहीं जा सकती, ये कहाँ लिखा है? सही मुस्लिम की रिवायत है, आपको पता है इमाम मुस्लिम ने लिखा है। जी बताएं क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखा है कि ज़ईफ पर अमल नहीं किया जाएगा। जी और अगर ज़ईफ जो है वो फजीलत के ताल्लुक से हो, ज़ईफ हदीस अगर फजीलत के ताल्लुक से हो तो? फजीलत के ताल्लुक से, फजाइल के ताल्लुक से, मदद के ताल्लुक से हो, जी किसी भी ताल्लुक से हो जी, वो नहीं होगा। अच्छा वो नहीं मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। अच्छा बुखारी शरीफ के अंदर ज़ईफ हदीस है? नहीं है। बुखारी में ज़ईफ हदीस नहीं है? सही बुखारी, सही बुखारी में कुछ ज़ईफ हदीस नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। कैसे आएगी, कैसे आएगी? जब सही बुखारी है तो ज़ईफ हदीस कहाँ से आएगी? आप एक काम करिए जी, आप पहले जाके अपना इल्म टेस्ट करवाइए, उसके बाद इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे बात करेंगे। ये तो तकब्बुर वाली बात है। नहीं नहीं तकब्बुर की बात नहीं है, नहीं तकब्बुर की बात नहीं। अरे ये तो सजेशन है, अरे सिंपल सजेशन दिया है मैंने, सिंपल सजेशन सजेशन दिया है आपको। बहुत तालिब इल्म हूँ मैं तो, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अरे मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो अगर मैंने कह दिया थोड़ा इल्म और ले लीजिए तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? हाँ तो ये आपने जो अपने इल्म पर तकब्बुर किया है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तकब्बुर नहीं किया है, अंदर आपकी सुराख वाली जो हदीस है ना जी, है ना, ये ज़ईफ लिखी हुई है। अच्छा चलिए, मेरी हदीस नहीं है वो, मेरी हदीस नहीं है भाई, हदीस मेरी नहीं है। हाँ ये कह रहा हूँ मैं, और ज़ईफ भी मैंने नहीं कहा। आपको लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कही हुई सारी हदीसें जो हमें ज़ईफ लगती है, अभी जी हाँ लगती है। जी हाँ और मैंने नोट किया है आपको, क्यों हम कौन होते हैं इसको ज़ईफ कहने वाले या सही कहने वाले? मुहद्दिसीन किराम ने किया है, आप उन पर तो कुछ कहते हैं, फतवा लगाते हो। नहीं नहीं अरे भाई उन पर, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको इससे पहले जो हदीस बताई थी, मैंने जो आपको पहले हदीस बताई थी जिसमें आप ही के इमाम इब्ने तैमिया ने इसको सही हदीस लिखा है, अब आपने उसका भी इंकार कर दिया कि पहले तस्दीक करेंगे। तस्दीक करिए, बेशक तस्दीक करिए, रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें गैर मुकल्लिद, ठीक है ना? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता गैर मुकल्लिद, मैं कहाँ कहता हूँ गैर मुकल्लिद? आपने कहा अभी, आपकी अभी आपने जब इमाम इब्ने तैमिया का नाम लिया तो कहा तुम्हारे गैर मुकल्लिद इमाम जी, क्योंकि आपने जब अभी इमाम तैमिया का नाम लिया था आपने कहा था इमाम तैमिया रहमतुल्ला ताला अलैह, तो जो उनको मानेगा रहमतुल्ला ताला अलैह कहेगा, यानी कि वो उन्हीं की जमात गैर मुकल्लिद जमात से है। हाँ तो वो कहना था, तो आपने हमें गैर मुकल्लिद कहा ना अभी। हाँ तो मैंने नहीं कहा, आप लोग खुद किसी के मुकल्लिद हैं ही नहीं, तब तो गैर मुकल्लिद हुए तो? आप ही तो आपने तो कहा अभी गैर मुकल्लिद। अरे भाई जब आप मुकल्लिद होते तो हम आपको मुकल्लिद कहते, अब आप मुकल्लिद नहीं है तो गैर मुकल्लिद कह रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा पढ़ करिए, आप मुझे गैर मुकल्लिद कहा, आपने शुरुआत वसीला से शुरू करी और मुझे गैर मुकल्लिद कह के इमाम इब्ने तैमिया पर ले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी आप जिनको आप नाम लेकर के बोल रहे हैं और हमें इमामों का मुकल्लिद बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या मुकल्लिद बता रहा हूँ भाई। अब बात तो सुनिए यार, बात तो सुनिए, हंसी है मत, मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, भी बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, है ना? तो क्या होता है कि अगर गैर मुकल्लिद कह दें तो फिर किसी इमाम को बीच में न रहे, ठीक है? क्या मतलब आया, क्या आपने एक तरफ तो कह दिया कि आप गैर मुकल्लिद हैं यानी आप तकलीद नहीं करते हैं, तो इमाम इब्ने तैमिया का नाम क्यों आ रहा है?
और अगर आप नाम ले रहे हैं तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम ने तैमिया जैसे ही नहीं, अगर मेरे वालिदे गिरामी खुद अगर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात कहते हैं तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा। ये कहने की बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये सिर्फ आप लोग को रटी रटाई बातें जो बोल दी जाती हैं। नहीं रटी रटाई नहीं, रटी रटाई रटाई बातें अभी तक आप सुराख वाली हदीस को लेकर बैठे अम्मा इतने। नहीं मैं सुराख वाली हदीस को नहीं लेकर बैठा हूँ, नहीं मैं उस हदीस को लेकर नहीं बैठा हूँ। बात घुमा करके तकलीफ पर ला रहे हैं। मैं नहीं ला रहा हूँ कहीं, नहीं ला रहा हूँ, मैं कहीं नहीं ला रहा हूँ, मैं वहीं रोके हूँ, मैं वहीं रोके हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया जी, ठीक है, नहीं वो रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जाओ आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, वो सब आपकी ऐसी मजाक सब इसके अंदर आ रही है जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब वसीले पर आपने इस हदीस की तहकीक की है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रखी है। क्या की आपने तहकीक? तहकीक यही करिए कि हदीस सही है। सही है जी, तो आप इसका मनद वो क्यों नहीं बताते हो, सनद और मतन क्यों नहीं बताते हो? अब मैं इस्नाद में आए हुए रावी का तहकीक चेक किया आपने? कुछ आप भी तो करिए, तभी हम ही कर लें। तो आप तो अपने घर में मकतबे में किताब खोल कर बैठे हैं, कभी नेटवर्क आ रहा जा रहा उससे पता लग रहा है आप मूवेबल हो। सिंगल प्लेस आई डिडंट मूव द सिंगल फिट, नॉट इवन 100 इंचेस फ्रॉम माय प्लेस। Other thing is that when you are refuting your ulama ikram, when you are refuting your Shaykh Ibn Taymiyyah, you are saying first of all you have to check, recheck what he has written. Either he has written it sahih or zaif or mauzu, then it's up to you. First of all, go and check what your Ibn Taymiyyah has written about this. मैं कह रहा हूँ पता करिए पहले क्या लिखा है, उसके बाद फिर बात करिएगा। तो हजरत आप हमें पता करने का मौका दे रही है क्या? दीजिए मौका, मैंने कब मना किया कि आप मत पता कीजिए? मैंने कहा कि आप ना पता। मैं तो कह रहा हूँ आप आराम से क्या बाउंड है इन जनों का आप डालिए अपने। मैंने आपसे भी दो बार मना किया कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं करता बात, फोन पे करता हूँ। और रही बात स्कैन भेजने की, स्कैन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप पे आपको स्कैन भेज सकता हूँ, उसी को तो चेक करना है। और ये आपकी जो सुराख वाली रिवायत है इसका मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप कह रहे हैं कि ये ज़ईफ है, ज़ईफ हमने तो नहीं कहा है, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा है, तो उस चीज को आप भी चेक कर लें। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कई बार कि आपकी नजर से नहीं गुजरा, कहीं मेरे ऐसा होता है कि मेरी नजर से नहीं गुजरा, ऐसा ही नहीं होता ना। बिल्कुल। और फिर ये इस्लाही एतबार से की हुई बात अचानक से आप मौजू को घुमा करके तकलीफ पर मुकल्लफ। मैं कहाँ तकलीफ पे लाया हूँ भाई, मैं कहाँ तकलीफ पे लाया हूँ? लेकर आ रहे हैं, कहाँ लाया हूँ मैं कहाँ लाया हूँ भाई? देखिए दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जो गैर मुकल्लिफ खुद को कहते हैं उनका सबसे बड़ा पेशवा इब्ने तैमिया है, दुनिया जानती है, ठीक है। तो उसमें कोई चुरा छुपा नहीं है, ये बात ओपन है जी। आप ही कह रहे हैं ये गैर मुकल्लिफ इनका पेशवा इमाम इब्ने तैमिया, आप कह रहे हैं ना ये जी? तो गैर मुकल्लिफ किस हिसाब से कहते हैं आप हमें? नहीं गैर मुकल्लिफ का मतलब ये थोड़ी, गैर मुकल्लिफ का मतलब क्या होता है? गैर मुकल्लिफों में क्या कोई पेशवा नहीं होता? नहीं तो बताए ना आप इसको, पेशवा कैसे बता रहे हो आप? वही तो पास मानी जाएगी, सब लोग उनको पढ़ते हैं उनकी। अभी जैसे आपने कहा कि तफसीर इब्ने कसीर देंगे, तफसीर इब्ने कसीर कौन थे? इमाम इब्ने कसीर थे। हाँ कौन थे इब्ने कसीर, इनकी हिस्ट्री बताइए। इमाम इब्ने कसीर कौन थे? मुफस्सरीन थे। ये किसके शागिर्द थे, किसके उस्ताद थे, कुछ बताएंगे? उससे क्या मतलब है? अरे यही तो मतलब छुपा हुआ है, यही तो मतलब छुपा हुआ है, यही तो कुर्बत पता चल रही है। अरे यही तो कुर्बत पता चलेगी, किससे किसकी कुर्बत है। देखिए जब हदीस से कोई बात टकराएगी, कुरान से कोई बात टकराएगी, तो आप कैसे मान लेंगे उस चीज को? अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आप वो बात मानिए जो कुरान से टकराए, हदीस से टकराए? मैंने आपसे कहा कि आप कोई बात कुरान से टकराए बात को सुनिए, मैंने आपसे कहा गैर मुकल्लिफ कहते हैं, दूसरी तरफ आप हमें कहते हैं कि भाई तुम उनके पेशवा, वो तुम्हारे पेशवा है, तुम उनकी बात मानते हो। जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के सामने अगर कोई बात किसी की भी आए और वो गलत बयानबाजी करे तो हम नहीं मानते इस बात। तो इब्ने कसीर की तफसीर का नाम क्यों लिया? इब्ने कसीर की तफसीर का नाम क्यों लिया? क्योंकि उनसे पहले बहुत बहुत तफसीरें मौजूद है। जो बयान किया है कुरान की आयतों का, जो बयान किया, जो कुछ कुरान की आयतें बयान किया, उसके तफसीर में जो कुछ हदीसें लेकर आए हैं आप देखें उसके अंदर जो सही हदीस है आप उसको लें तफसीर के अंदर। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ उन्हीं की क्यों लूं, उन्हीं की क्या हुआ है? सवाल ये है कि उन्हीं की क्यों लूं? उसमें वो भी आया, एक आरा भी आया और एक आरा भी आया। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं की क्यों लूं? उसने इन इन अल्फाजों में दुआ करी, आप सुन नहीं रहे। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी,
मैं पूछ रहा हूँ उन्हीं की क्यों मतलब ये अरे लिसन टू मी डियर, लिसन टू मी डियर, यू आर ट्राइंग टू एस्केप. आई वोंट लेट यू एस्कॉन्ड फ्रॉम हियर. मेरी बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ उन्हीं को क्यों लूँ. मौजू है तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उन्हीं को क्यों लूँ. आप बोल ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ उन्हीं को क्यों लूँ. मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ उन्हीं को मतलब. आप तो जो आप बोला आपने उन्हीं को मतलब अभी आपने देखिए गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस उसको सबसे बड़ा पेशवा अपना कहते हैं. ये बात जग जाहिर है, इस पर पर्दा नहीं डाल सकते. यूट्यूब पे सैकड़ों क्लिप मौजूद हैं, ठीक है, सैकड़ों क्लिप मौजूद हैं कि वो सबसे बड़ा पेशवा उसी को कहते हैं अपना. और ये थोड़ी मैंने आपसे कहा कि अगर आप उसको मान लीजिए तो आप उसके मुकल्लिद हो गए. मैंने तो नहीं कहा आपको, मैंने कहा कहीं मैंने गैर मुकल्लिद क्यों कह रहे हैं तो आप किसके मुकल्लिद हैं बता दीजिए. तो आप किसके मुकल्लिद हैं, तो आप किसके मुकल्लिद हैं बता दीजिए. अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो आप किसके मुकल्लिद हैं. हम मुत्तबाई सुन्नत है भाई, बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई बस. और आप भी है ना, ये क्या आप भी बरेली नहीं है ना, जमात से बरेलवी हम सब कहते हैं. बरेलवी तो आप हमें कहते हैं, हम तो अहले सुन्ना व जमात है. तो आपके भी तो इमाम बदलते रहते हैं ना हर कभी. कहाँ बदले इमाम मेरे, वो कभी अहमद रजा खान की तरफ चले जाते हैं. हम हमेशा नहीं, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की कोई किताब ही मौजूद नहीं. हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अनु वो तो हमारे सर का ताज है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे उलमा इकराम हमारे सरों का ताज है. हम किसी से करते हैं, हम किसी से करते हैं, हम किसी जो आशिके रसूल होता है, जो आशिके रसूल होता है गुस्ताखे रसूल नहीं होता है. अल्हम्दुलिल्लाह सर आंखों पे आशिके रसूल नहीं होता है. और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग्ज रखता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग्ज रखता है, किना रखता है, उसको हम अपनी पैर की जूती के भी नीचे नहीं रखते क्योंकि हमारी जूती गंदी हो जाती है. अच्छा जी, सही बात है. तो जी बिल्कुल सही. और वो सबसे बड़े आप वो तो गुस्ता ही करते हो आप अल्लाह के रसूल को माज अल्लाह. और इसी तरीके से आप हमें चिढ़ाने के लिए जो कुछ को आप लोग हमें कौन चिढ़ा रहा है भाई, आपको कौन चिढ़ा रहा है. आपने जो कहा अभी आप जैसी बातें कह रहे हैं तो वो बातें कर आपने दूसरे फारूक आजम ने कही थी, उसका इनाम मिल चुका होगा. जग जाहिर है, जग जाहिर है, बिल्कुल जग जाहिर है. आप लोग अपने आप अपने कलामों में आप अपने यहाँ कहीं आपके दर्द तो तदरीस के अंदर शुरुआत ही बिस्मिल्लाह की जगह गालियों से शुरू करते हैं माशाल्लाह. मैंने आपको कितनी गालियाँ दी, बयान कर दिया मैंने आपको कितनी गालियाँ दी, मैंने भी आपको कितनी गालियाँ दी, मैंने आपको कितनी गालियाँ दी, बात कर रहा हूँ मैंने आपको कितनी गालियाँ दर्द तो तदरीस की, आपके उलमाओं के दर्द तो तदरीस की, आपके होने वाले तमाम प्रोग्राम की, आपकी पर्सनल अगर आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं. अपने उलमाओं अपने घर में भी झांकिए, अपने घर में भी झांकिए, जायजा दीजिए, अपने घर में भी झांकिए, जायजा दीजिए कि मेरा बताए कि जन्नत क्यों जाओ, क्योंकि बड़ी खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी. यहाँ जल्दी फारिग हो जाते हो, वहाँ सौ सौ मर्दों की कुव्वत मिलेगी. वो इस वजह से जन्नत की लालच नहीं दे रहा है कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होंगे, हमारे औलिया अंबिया हमारे साथ होंगे. नहीं, वो ये कह रहा है कि वहाँ फाहिशी करना, वहाँ औरतें मिलेंगी. ये आपका मिराज रब्बानी कह रहा है, तो सबसे बड़ा फाहिशा तो आपका मिराज रब्बानी है. अपने उलमाओं को भी तो देखिए, सेक्स से ऊपर बात नहीं करते हैं. सेक्स जितनी कामसूत्र है, सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी गंदगी वासना जिसे वासना के भूखे कहते हैं. मिराज रब्बानी की आंखें देखिए आप, मिराज रब्बानी की आंख देखिए. मिराज रब्बानी आपको आंखों से जलाल दिखाई देता है, जैसे लगता है कि ये जो है बल्कियों का जलाल है. कोशिश क्यों नहीं दिखाते हैं आप, बताइए बख्शीश क्यों नहीं दिखाते हैं. हम ऐसे दिखाते हैं इंसान में, अहमद रजा साहब ने दिखाओ ना. आप ये साबित कर दीजिए कि हिदायत बख्शीश जिल्द तीन की वो मुसन्ने बताला हजरत है. आप ये साबित कर दीजिए कि हिदायत बख्शीश जिल्द तीन लिखे हैं. आप साबित करिए कि वो आला हजरत की तस्नीफ है. बख्शीश में आप साबित करिए वो हिदायत बख्शीश में जिल्द नंबर तीन उनकी तस्नीफ है. आप साबित करिए, आप साबित तो करिए पहले कि उनकी तस्नीफ है. उसके बाद माफीनामा लिखा आपके अहमद रजा ने. आप दिखाइए माफीनामा, दिखाइए माफीनामा, बिल्कुल मौजूद है. आप दिखाइए व्हाट्सएप पे आइए, आप दिखाइए माफीनामा, माफीनामा दिखाइए. आप आए तो सही, वो किताब आला हजरत के पर्दा करवाने के 30 साल के बाद छपी है. 30 साल के बाद और हमारी जमात की तरफ से एहतजाज हुआ है. माफीनामा कहा कि मैंने जब इस तरीके से लोगों ने उनको झूठ तो आला हजरत उस टाइम पर्दा फरमा चुके थे. आला हजरत पर्दा फरमा चुके थे. आप उसे किताब तो देखें, आप किताब मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ. आप किताब को देखो, मैं देख चुका हूँ. अहमद रजा खान साहब ने लिखा, आप क्या फतवा लगाएंगे अहमद रजा पर. मैं देख चुका हूँ, जब आप ये तो साबित करिए गुलाम
غلام احمد قادیانی جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے تو شاگرد ہیں, ان کے بھائی کے شاگرد آتے ہیں. آپ اپنے گھر کا بھی امن ننگا کرنا شروع کرتے ہیں. چار کی کوئی حد نہیں. غیر مقلد کہتا ہے آپ کا ذکر الامانی صفحہ نمبر 141 میں جتنی عورتوں سے چاہو شادی کر لو. احمد رضا خان نے نہیں کری الحمدللہ, نہیں کری. میں کہہ رہا ہوں 32 سال کے بعد وہ کتاب چھپی ہے. وہ کتاب 32 سال کے بعد چھپی ہے. کتنے مناظرے آپ لوگ ہار چکے ہیں, بہت مناظرے آپ لوگ ہار چکے ہیں, اور اب عوام کے گھر کو بھی ننگا کر دیتے ہیں. آپ کا مقلد, آپ کا عالم لکھتا ہے نواب نور الحسن خان, اگر کسی مہیلا سے زید نے زنا کیا اور اسی سے پیدا ہوئی تو زید وہ اپنی بیٹی سے نکال سکتا ہے. معاذ اللہ, رفول ذاتی اسٹیٹ نمبر 109 یہ آپ کے گھر کی بات ہے. اور آپ کے مشہور غیر مقلد عالم نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں اگر گناہ سے بچنا ہے تو مجتہدنی کرو. معاذ اللہ, مجتہدنی آپ کے وہاں لکھا گیا ہے کہ مجتہدنی کرو. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اور لکھا ہے اگر بیٹے نے ایک مہیلا سے زنا کیا تو مہیلا باپ کے لیے حلال ہے. اور اس طرح سے بیٹر کی وپریت کسی کا جس اپوزٹ نزول ابرار بھاگ 1 دفعہ نمبر 27 پہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ باپ نے سیکس کیا اس کا بیٹا بھی کر سکتا ہے. معاذ اللہ. اور آپ کا علامہ وحید الزمان کیا لکھتا ہے, اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا, زنا کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ یا غریب البلوغ, تو وہ اپنے معاون پتی پر حرام نہیں ہوئے. معاذ اللہ, نزول ابرار صفحہ نمبر 2. صفحہ نمبر 2 آپ کا علامہ وحید الزمان کیا لکھتا ہے, ایک مہیلا سے تین باری باری صحبت کر سکتے ہیں اور ان تینوں کی صحبت سے لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے پر وہ معاذ اللہ جس کا نام قرآن سے نکالا گیا اس بیٹے کا نام مل جائے گا. معاذ اللہ, یہ تو آپ کے گھر کی کتاب ہے نعوذ الابرار. بھاگ گیا کیا؟ ہلو ہلو, اور بتا دیتا ہوں, وہ تو بھاگ گیا. اور لکھتے ہیں انہی کی کتاب میں غیر مقلدین کے شیخ ال فلکل میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ مہیلا کو زیر ناف بال استورے سے صاف کرنا چاہیے اکھاڑنے سے. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, پڑھ بھی نہیں سکتا میں, اتنا گندا لکھا ہے اس میں. اور لکھتے ہیں معروف غیر مقلد عالم علامہ وحید الزماں اور مقلد عورتوں کو حیض سے پاک کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں, مہیلا جب حیض سے پاک ہو تو دیوار کے ساتھ پیر لگا کر کھڑی ہو جائے, اور اگر ایک ٹانگ اس طرح اٹھائے جیسے کتا پیشاب کرتے وقت اٹھاتا ہے تو کوئی روئی یا کیا بتائے. اتنا گندا گندا لکھا ہوا ہے معاذ اللہ, میرے تو منہ سے نہیں بولا جا رہا ہے. اچھا, اور آگے علامہ صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ سور کے حرام ہونے سے ان کا ناپاک ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا. ماں حرام ہے مگر ناپاک نہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اور علامہ وحید الزماں لکھتا ہے لوگوں نے کتے اور سور اور ان کے جھوٹے کے ٹاپک کے اس کو درج کرایا ہے کہ صحیح نہیں ہے, جبکہ ان کا جھوٹا پاک ہے. ایسے لوگوں نے کتے کے پیشاب اور لیٹرین کے سمبند میں ویروھ کیا ہے. اس بات یہ بھی ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں. معاذ اللہ, نعوذ الابرار بھاگ نمبر 4 صفحہ نمبر 40. اور لکھا ہے گدھی کتیا اور شیرنی کا دودھ غیر مقلدین کے لیے پاک ہے. معروف اور مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں بدر الاعلیٰ پیج نمبر 13 پہ کہ گدھی کتیا اور شیرنی کا دودھ پاک ہے. گدھی کا دودھ پی کے گدھے بنے. بھاگیا دوسرا کال کر کے. اور سنیے آگے بھی, غیر مقلدین کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب اور پخانہ بھی پاک ہے. مفتی عبدالستار امام فرقہ غربائے اہل حدیث فرماتے ہیں حلال جانوروں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے, جس کپڑے پر لگا ہو اس سے نماز پڑھنی درست ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ نمبر 108. اور لکھتے ہیں غیر مقلدین کے نزدیک گھوڑا حلال ہے. اب ہم مین ٹاپک بتا رہے ہیں. اور ان کے نزدیک گو حلال ہے, جو چھتکلی ہوتی ہے بڑی والی. اور یہ لکھا ہے عرف الزادی پیج نمبر 235 پہ. اور غیر مقلد کے نزدیک خار پشت حلال ہے. نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں خار پشت یعنی کانٹوں والا چوہا جو ہوتا ہے وہ کھانا حلال ہے. عزت تعالی چوہا گدھا اور گو کھا کھا کے پاگل ہو گئے ہیں. اور کیا لکھا ہے, غیر مقلدین کے نزدیک باہری سمندری مردہ حلال ہے. معاذ اللہ, یعنی کہ مردہ یعنی کہ مینڈھک, سور, کچھوا, کیکڑا, سانپ, یہ جتنے ہیں یہ سب ان کے نزدیک حلال ہیں. عرف الزادی پیج نمبر 235 پہ. اور غیر مقلد کے نزدیک خشکی
सूखे के वो जानवर हलाल हैं जिनमें खून नहीं, ये लिखा है नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने। खुश्की के तमाम जानवर हलाल हैं जिनमें खून नहीं, बदरू अहला सफा नंबर 665 पे, यानी कीड़े मकौड़े मक्खी मकड़ी कॉकरोच हलाल हैं इनके नजदीक। और अब्दुल्ला रोपड़ी ने कुरानी मारिफ में लिखा है गैर मुकल्लफ के बाद नसीब फिरके ने अपनी जिनसी आग बुझाने के लिए कुरान पाक जैसी पाक किताब को ही नहीं बख्शा। मशहूर गैर मुकल्लद आलिम और गैर मुकल्लदीन के मुहद्दिस जीशान हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी ने कुरान मौरूफ अनुवाद इसका ट्रांसलेशन करते हुए महिला और पुरुष की औरत और आदमी की जो शर्मगाह होती है और पुरुष व महिला के जो उस टाइम की कैफियत होती है जैसी खुराफात बयान करने में अपने नामाय आमाल की सियाही में बढ़ोतरी किया है। माजल्ला सुम्मा माजल्ला क्या क्या बताएं अब इनको। बहरहाल ये तो भाग गया भगौड़ा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। मोहम्मद उस्मान साहब सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी याद फरमाने का शुक्रिया। आपका सवाल मौसूल जवाब आगे। आपने पूछा कि यहाँ लोग कहते हैं कि तफसीर इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस वक्त मौजूद नहीं है और ये महफूज नहीं हो सकी और सिर्फ बाद तफासीर में इसका कुछ हिस्सा मिलता है। मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सऊदी अरब ही में आप कुतुबखाने में चले जाएं तो तफसीर इब्न अब्बास अल्हम्दुलिल्लाह आज तक महफूज है। अलबत्ता हुजूर अलैहि सलाम के दौर में जो तफसीर लिखी गई थी और उसके तफसीर लिखने के मौली पर मुसन्निफ थे उबई इब्ने काब, वो तफसीर तो अलबत्ता जाया हो गई, लेकिन तफसीर इब्ने अब्बास आज भी अरबी मतन के साथ मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान में तो उस अरबी का तर्जुमा भी मिलता। लिहाजा सऊदी अरब में किसी भी मारूफ कुतुबखाने से आप तफसीर इब्ने अब्बास हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि ये तफसीर मुख्तसर है, बहुत तफसीलन नहीं है, लेकिन तफसीर आज भी जिंदा और मौजूद है। ये कहना कि वो जाया हो गई, ये कौल बिल्कुल गलत। मौजूद सामीन, बुखारी शरीफ की एक रिवायत जो आजकल के गैर मुकल्लदीन वहाबी नाम निहाद अहले हदीस और देवबंदी अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ पेश करते हैं और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि बुत परस्ती का आगाज अल्लाह के नेक बंदों की वजह से हुआ और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुत परस्ती का रवाज हुआ वो अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर उनके नाम रखे गए और उनके बुत बनाकर उनकी परस्तिश की गई। इस सिलसिले में उनकी सबसे बड़ी दलील बुखारी शरीफ की यह हदीस है जो कि आपके सामने है। बुखारी शरीफ में ये मौजूद है और किताबुत तफसीर के अंदर सूरह नूह की तफसीर में इमाम बुखारी ने इसको नकल किया। इसके अंदर इस चीज़ का बयान है कि ये हज़रत नूह अलैहि सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम थे। जब ये लोग दुनिया से चल बसे तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि उनके बैठने की जगह जहाँ ये लोग बैठते थे उनके नामों के बुत उनके नामों से नसब कर दो। बस उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वो इनकी इबादत नहीं करते थे। जब वो भी दुनिया से चल बसे और इल्म उठ गया तो उनकी पूजा होने लगी। ये जिस सनद से मौजूद है वो आपके सामने मौजूद है। अन इब्ने जुरैज व क़ाला अता अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, यानी यहाँ पर यहाँ इमाम बुखारी जिस सनद से इसको बयान कर रहे हैं वो अता बिन अबी रबाह लोग समझते हैं, लेकिन ये असल में अता खुरासानी है और जिस वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ हो जाती है, क्योंकि अता खुरासानी ने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्ला ताला अन्हुमा से कुछ नहीं सुना। ये बात इमाम इब्ने रजब ने अपनी बुखारी की शरह फतहुल बारी में
اس کو نقل کیا ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن رجب حنبلی جلد 3 صفحہ 197 اور حدیث شریف 427 کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ یہ ان کیا جو کلام ہے اس پر اس وقت کیمرہ ہے. اور تحقیق امام اسماعیلی علیہ رحمہ نے ذکر کیا کہ بے شک یہ عطا خراسانی ہے اور عطا خراسانی نے حضرت ابن عباس سے نہیں سنا. امام ابن رجب حنبلی کی اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں جن سے ابن جرید روایت کر رہے ہیں وہ عطا خراسانی ہیں, اور جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جن کی ملاقات ثابت نہیں, اور یوں یہ روایت قابل استدلال نہیں رہتی. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہ بات کہی ہے اور انہوں نے یہ کہا, یہ حدیث ابو مسعود دمشقی نے کہا کہ یہ حدیث ابن جریج کی تفسیر میں عطا خراسانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ثابت ہے, اور عطا نے حضرت ابن عباس سے نہیں سنا اور ابن جریج نے عطا سے نہیں سنا, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اسی بات کو اور بھی دیگر محدثین نے روایت کیا ہے. مثلا جو ہیں امام شہاب الدین قسطلانی نے اپنی کتاب ارشاد الساری کے اندر اس کو نقل کیا, وہ یہ کہتے ہیں ان ابن جریج یعنی عبد الملک بن عبد العزیز وقال عطا یہ خراسانی ہے اور حرف محذوف پر معطوف ہے جس کو امام فاقہانی نے ایک دوسرے طریق سے ابن جریج سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت کہا کہ یہ وہ بت ہیں قوم نوح جن کی عبادت کرتی تھی, اور عطا نے کہا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما, لیکن عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع نہیں کیا اور ابن جریج نے عطا خراسانی سے تفسیر کا سماع نہیں کیا, کیونکہ وہ کتاب اس نے اس کے بیٹے عثمان سے لی تھی. اس میں دیکھا ہوگا یہ امام شہاب الدین قسطلانی نے اپنی کتاب ارشاد الساری کے اندر بھی ایسے ہی لکھا ہے, اور اس کا جلد 11 صفحہ 174 ہے. اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ نے بھی یہی بات لکھی ہے, اور ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے اور عطا خراسانی ہے, نہ کہ عطا بن ابی رباح اور نہ ہی عطا بن جسار. ٹھیک ہے جی, یہی بات انہوں نے لکھی ہے, اور اسی بات کو وہابی مولوی وحید الزمان نے اپنی بخاری کی شرح تحصیل الباری کے اندر جلد 4 صفحہ 725 پر بھی نقل کیا ہے, اور اس کا کلام یہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عطا خراسان وہ لکھتے ہیں, عطا خراسانی تو ضعیف ہے امام بخاری کی شرط پر نہیں, دوسرے ابن جریج نے اس سے نہیں سنا, بلکہ عطا کے فرزند عثمان سے اس نے عطا کی کتاب لی تھی. اس میں دیکھا ہوگا شاید امام بخاری نے اس کو عطا بن ابی رباح سمجھا, یہ ان سے غلطی ہوئی. وہابی اس کا جواب دیں, غیر مقلد وحید الزماں کہہ رہا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے عطا بن ابی رباح جن کو سمجھا ہے وہ عطا بن ابی رباح نہیں بلکہ وہ عطا خراسانی ہے, یہ ان سے غلطی ہوئی. اور کیسا ہی بڑا عالم ہو کبھی نہ کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تیراک ہی پانی میں ڈوبتا ہے اور چابک سوار ہی گھوڑے سے گرتا ہے. بعضوں نے کہا شاید ابن جریج نے یہ حدیث عطا خراسانی اور عطا بن رباح دونوں سے روایت کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو پیچھے وہ بات مان آئے وہ یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح نہیں, کیونکہ عطا بن ابی رباح یہاں پر سمجھنا غلطی ہے, یہاں مراد جو ہیں عطا خراسانی ہی ہیں, اور اس کو بھی وہ ضعیف کہہ رہے ہیں, عطا خراسانی کو ضعیف کہہ رہے ہیں. اور یہ غیر مقلدین کے مولوی جو ہے وحید الزمان تحصیل الباری جلد 4 صفحہ 725 پر اس کو نقل کیا. پتہ چلا کہ وہابی جو یہ کہتے ہیں کہ بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر یوں بت بنا کر رکھے گئے, ان کی تعظیم کی جاتی تھی اور پھر معاملہ بت پرستی تک پہنچ گیا, یہ بات بالکل غلط ہے. اور اس کی بنیاد جو بخاری کی وہ روایت پیش کرتے ہیں وہ سند متصل کے ساتھ موجود نہیں ہے, جو سند بیان کی جاتی ہے اس کے اندر جن کو عطا بن ابی رباح سمجھا جاتا ہے جو تابعی ہیں وہ عطا بن ابی رباح نہیں بلکہ وہ عطا خراسانی ہیں. ابن حجر نے اور علامہ بدر الدین عینی نے, ابن رجب حنبلی نے, اور وہابی مولوی
یہ تو زمانے سب نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بات بداہتن باطل ہے. فرام دا ویری بگننگ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم سے بت پرستی شروع ہوئی, بلکہ یہ بت پرستی شیطان کی جانب سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی, وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا, کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں کھجڑوں کھسڑوں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو, دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی, اور ان کی اور ان کے اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤں تکیا لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا, اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس, موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یقین, یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں. وہ میاں آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے, ہیں تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دیکھتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم ہزار پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے, تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا, اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقین کی یقیناً واقعی سچ ہے. اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری, اس کا دل, اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا, اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سمرے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سمرو گے. جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں 70 حسن زیادہ پائے گا. ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے, پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہمبستری بھی کریں گے, مزے لیں گے, یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیو, میرے بھائیو, حفت الجنہ بالمکارہ, سردی لگ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ, لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے, اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بسترا چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے, میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, واللہ اس جنت کو حاصل کروں. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے, جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں, اور ایک نہیں, ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کوئی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے.
वो कहेगी आप सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो। मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है, ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो।